देखो, एक ऐसा वाउचर होता है कंट्रा, जिसको लेकर के हमेशा कंफ्यूजन बरकरार रहती है। जैसे ये टैली प्राइम है, ओपन है, हम नया कंपनी बना करके ही काम करते हैं, तो आज हम लोग कंट्रा ही के बारे में सीखेंगे। तो F3 प्रेस करके नया कंपनी हम बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी पे चलेंगे। और नाम क्या है तुम्हारा, नाम की स्पेलिंग लिखो यहाँ पे, नाम लिखो, ACLAK, अफलाक टूर लिख देते हैं ऐसे कुछ भी, ठीक है। एंटर किया। यहाँ पे जैसे एड्रेस मान लो न्यू कॉलोनी है तुम्हारा, सपोज करो न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं, तो ये हो गया। और यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, एंटर करके यहाँ पे स्टेट चूज करना बहुत कंपलसरी है, बच्चे स्टेट छोड़ देते हैं, तो स्टेट जरूर चूज कर लीजिएगा, बाकी सब देखा जाएगा। हो गया, ये हो गया ना। अब इसको एक्सेप्ट कराना है, तो ये एक्सेप्ट हो गया, कंट्रोल लेकर के इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो कंपनी तो हमारी बन गई, पहली एंट्री हमने बताया था रिसीप्ट वाउचर में करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी देखेंगे कंट्रा के बारे में, और उससे भी पहले रिसिप्ट बना ही लेते हैं, क्योंकि दिक्कत करेगा ये। तो यहाँ से बी बटन प्रेस कर लेते हैं, और रिसिप्ट वाउचर में आने के लिए F6 प्रेस कर लेते हैं। और यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, तो क्रेडिट किसे करना है। और यहाँ देखिए, सबसे बड़ा इसमें सुविधाजनक चीजें हो जाती हैं प्राइम में, कि यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन दिया रहता है। ये क्रिएट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो बस यहाँ पर एंटर कर दीजिए और यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। किसका लेजर बनाएंगे, कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल ही नहीं होगा तो कहाँ से बिजनेस स्टार्ट होगा। तो कैपिटल कर दीजिएगा और यहाँ कर दीजिएगा अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हो गया, और यहाँ पे ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, एंटर एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये एक्सेप्ट हो गया। अब कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो डाल दीजिए यहाँ पे, ये मान लीजिए कैपिटल इन्वेस्ट किया, और ये सब कैश में किया तो कैश कर देते हैं। अब बैंक का लेजर भी लगा सकते हैं, बैंक का लेजर लगाना हो तो भी लगा सकते हैं आसानी से। कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से जाके लगाएंगे, ये है ना, यहाँ पे जाएंगे, ऑल्ट सी करके बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे, स्टेट बैंक, स्टेट बैंक। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टेट बैंक में आपके पैसा होना चाहिए, ठीक है। और स्टेट बैंक कर दिया, ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट ये है ना ऊपर, बैंक अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। और यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है उसकी डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे IFSC कोड वगैरह सब कुछ भर लीजिएगा, चेकबुक की डिटेल वगैरह वहाँ पे नाम वाम प्रिंट करवा दीजिएगा। तो ये हो गया, बैंक अकाउंट से ये पैसे लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे नरेशन में डाल सकते हैं कुछ भी। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे कंट्रा वाउचर में जाने के लिए आपको क्या करना है, F4 प्रेस करना है। शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी है, F4। देखिए, यहाँ पर सबसे जो कन्वीनियंट वे होता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि जो कन्वीनियंट वे होता है, सबसे आसान तरीका जो होता है कंट्रा वाउचर में एंट्री पास करने का, वो क्या होता है। तो सबसे आसान तरीका है सिंगल एंट्री मोड। मोड दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल एंट्री, दूसरा डबल एंट्री। देखिए, यहाँ पे दिया गया चेंज मोड, दिया गया ना। अब जिसके नीचे डबल लाइन बनी हुई है वो बटन आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना, और जिसके नीचे सिंगल लाइन बनी हुई है वो बटन आपको अल्ट के साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते हैं, ये खुल गया। अभी हम डबल एंट्री मोड में, हमें इसे सिंगल एंट्री बनाना है, तो ये सिंगल एंट्री बन गया। बस ये मोड काम करने के लिए बेस्ट है, ठीक है, कंट्रा में। अब यहाँ पर उस बैंक अकाउंट का नाम आता है जिस बैंक में खाता पैसा इन हो रहा है, यानी आ रहा है, किस बैंक खाते में पैसा आ रहा है। अब ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है, तो यहाँ स्टेट बैंक का नाम आएगा। अगर आप किसी और बैंक को लेके आना चाहते हैं तो उस बैंक का नाम आएगा। तो जिस भी बैंक में पैसा इन हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, ये हो गया पंजाब नेशनल बैंक, और ये बैंक अकाउंट में ही जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपका है वो यहाँ पे डाल दीजिए, ये हो गया। अब बाकी डिटेल भरते हुए आगे बढ़ जाइएगा, यहाँ पे एंटर 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 करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यानी पैसा किस में जा रहा है, पंजाब नेशनल बैंक में। और किस बैंक से पैसा डाला जा रहा है, जैसे SBI से डाला जा रहा है, ठीक है। SBI में कितने पैसे हैं वो नीचे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 55,000 रुपये इस खाते में डाल दिए गए, तो ये देखिए, ये हो गया, एंटर हुआ, एंटर हुआ, एंटर हुआ, एंटर हुआ, एंटर हुआ, एंटर हुआ, एंटर, 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 और इसको आप एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये एक्सेप्ट हो गया, तो बस यही तो है कंट्रा वाउचर। हाँ, अपने खाते में ट्रांजेक्शन के लिए ये यूज होता है, समझ में आ गया ना। इसको करके देख लीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर होगा उसी में पैसा इन होगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा।